पूर्वे साधा सन्ति देवा ओम राजाय प्रसन्नसायिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारिष्टं राज्यं महाराजम् स्थापना कर दी और आपके घर पे भी ये स्थापना हो गई। पहले तो ये जानना चाहूंगी कि कितने समय से आप इसको बापा को अपने घर लाते हैं और क्या कितनी तैयारियां की है आपने इसकी? बापा को मैं 3 साल से मेरे घर में आ रहे हैं, मतलब वैसे तो कहा जाए तो मेरे शादी के बाद, मतलब मेरे ससुराल में काफ़ी सालों से है, मेरी माँ के यहाँ पे भी आता था तो, लेकिन कुछ 3 साल पहले ऐसा हुआ कि कुछ सिचुएशन में मेरे घर मतलब पापा जी आए, तो मुझे लगता है ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि उनकी इच्छा हुई शायद कि वो मेरे घर पधारे और वो 3 साल से लगातार मेरे घर पे आ रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम नॉट लकी, आई एम ब्लेस्ड। कितनी
तैयारियां की है और कितनी खुश है आप बापा के आने से और कितनी तैयारियां की है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे। मुझे लगता है इतना क्यूट बापा है ना कि वो बेचारे छोटे से तैयारी में भी बहुत सुखी और समाधानी होते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं। तो देखिए आप, मतलब तैयारी तो ये फूलों का, इस बार हम लोगों ने मखर तय किया था कि इस बार फूलों का मखर, ओरिजिनल फूलों का, तो ये ऑर्किड के फूलों का हम लोगों ने मखर बनाया इस बार। और ये बहुत, मतलब ये बहुत ही सिंपल सा रखा है, मुझे बहुत सिंपलिसिटी ज़्यादा पसंद है और आशा करती हूँ कि पापा को भी ये पसंद आया होगा छोटा सा। और तैयारी तो ये देख ही रहे आप, वो हमेशा की हमेशा सालों से ही तैयारी, पांच फल होते हैं उसमें, प्रसाद होते हैं, काफ़ी सारे मोदक होते हैं। और स्पेशली मैं कहूँगी कि हमारे मराठी कल्चर में हम लोग बोलते हैं उसको उकड़ीचे मोदक, जो हम लोग स्पेशली बापा के लिए बनाते हैं क्योंकि बापा को मोदक बहुत पसंद है। और ये टिपिकल कोंकण में जो हम लोग रहते हैं वहाँ पे काफ़ी ये फेमस है, तो हम लोग वो स्पेशली बापा के लिए बनाते हैं और बाकी तो बस छोटी मोटी तैयारी कर लेते हैं। बापा का नाम आया तो बापा को तो मोदक काफ़ी पसंद है, आप बताइए कि मीठे में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे भी मोदक पसंद है लेकिन ज़्यादातर रसमलाई मुझे बहुत पसंद है। अगर कभी आपको क्या लगता है, अगर कभी कंपटीशन रखा जाए गोकुल धाम में मोदक बनाने की, तो सबसे ज़्यादा बेहतर मोदक कौन बना लेगा? मैं ही क्योंकि एक तो मैं बिजनेस वूमन हूँ तो मुझे पता है कितनी क्वांटिटी और कितना क्या लगता है, तो मतलब मैं खुद का ही नाम लेना चाहूँगी। वैसे तो कहा जाए तो गोकुलधाम की सभी लेडीज जो है बहुत स्फूर्तीली है, दया भाभी है, रोशन भाभी है, कोमल भाभी है, अंजलि भाभी है, तो ये सब हम लोग मिलके बहुत उत्साही है, एनर्जेटिक है, तो मतलब सभी उसी तेजी से बना पाएंगे मोदक मुझे लगता है। कहते हैं ना कि इच्छाएं तो अनंत होती है, लेकिन और बापा ने अपनी कई इच्छाएं भी पूरी की होंगी अब तक, तो इच्छाएं अनंत होती है, तो इस बार क्या इच्छा है? मतलब क्या इच्छा रखती है बापा से कि बापा ऐसी कोई विश जो पूरी कर दे? मैं भगवान से कभी मांगती नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इतना कहना है पापा से कि हर साल प्लीज़ मेरे यहाँ आते रहे और मुझे ऐसी सेवा का मौका देते रहे, बस इतना ही कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे भगवान से कुछ मांगना पसंद नहीं है स्पेशली, क्योंकि वो है हमारे साथ, उतनी उनकी शक्ति जो हमारे साथ रहती है और जो पॉजिटिविटी हम में है वो उनकी वजह से है, तो उनका बस आशीर्वाद हमारे साथ रहे इतनी आशा करूँगी, इच्छा करूँगी। बापा के विसर्जन को लेके हम सभी एक्साइटेड होते हैं, बापा को लाने से लेके विसर्जन तक, क्योंकि बापा जाते हैं वो हमें पसंद तो नहीं होता, फिर भी हम उन्हें नाचते गाते विदा तो करते हैं, कैसे विसर्जित करने वाली है अपने बापा को? हमारे नज़दीकी एरिया में एक छोटा सा पॉन्ड है, वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और विसर्जन करते हैं। दुख तो बहुत होता है लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि भले ही इस बार वो जाते हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम जिस एनर्जी के साथ वो वापस आते हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो वो बहुत अच्छा लगता है और वो ही सोचना चाहिए, ना कि बल्कि विसर्जन कर रहे हैं ये थोड़ा इसका दुख नहीं मनाना चाहिए मुझे लगता है। जब मोदक की बात, बापा की बात आए, मोदक की बात आए, तो आप किस तरह के मोदक घर पे बना के पापा को आप रेडीमेड मोदक चढ़ाती है या फिर खुद से बना देती है? नहीं, ये जो मोदक है एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है और ऐसा है कि मैं देशों से ब्राह्मण हूँ और हम लोग जब जहाँ मतलब बचपन में मैं मम्मी पापा के साथ रही हूँ और उनके मम्मी को ये आदत नहीं थी क्योंकि हम लोग देशस्थ है तो जहाँ ये नहीं बनता था, तो कोकणस्थ ब्राह्मण में ये प्रथा होती थी कि ये उकड़ी से मोदक बनते हैं, तो मम्मी को नहीं पता था तो इसलिए मुझे भी नहीं पता था, लेकिन यहाँ आके सासू मोम बनाती है ये सब कुछ तो मुझे पता चल गया अभी उसका रेसिपी क्या है, तो शायद मैं नेक्स्ट टाइम उसका प्रयत्न करूँगी, कोशिश करूँगी ये मोदक बनाने की, लेकिन इसको कहते हैं उकड़ी से मोदक और ये बनाए गए हैं हमारे घर पापा के लिए। अब तो हम भी यही कहेंगे कि अगर कभी गोकुल धाम में स्पर्धा होती है मोदक वगैरह की तो आप ही जीतेंगे। हाँ हाँ पक्का, क्यों नहीं मैं ही जीतूंगी। जाते जाते पापा का मैसेज, पापा के लिए विश, मतलब दर्शकों के लिए पापा की तरफ से विश और क्या कहना चाहेंगे लास्ट, मतलब आप इको फ्रेंडली गणपति का संदेश वगैरह क्या देना चाहेंगे? हाँ, इको फ्रेंडली का तो मैं कहूँगी कि अच्छा होता है
फॉलो करना चाहिए, फॉर हूँ मैं उसके लिए। तो ये इस बार भी मैंने मिट्टी की है ये जो बापा की मूर्ति है वो, तो और ये फूलों की सजावट भी उसी के लिए, वो सब इको फ्रेंडली होना चाहिए। और आजकल लोग काफ़ी उसको फॉलो कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे रियल हस्बैंड जो है भिड़े, जो मतलब गोकुलधाम सोसाइटी में आपको पता है जो आत्माराम भिड़े हैं, लेकिन वो मेरे लिए जो रियल भिड़े हैं वो मेरे साथ, प्लीज़ हम दोनों मिलकर आपको शुभकामनाएं देंगे। तो ये है मेरे मिस्टर समीर जोशी, मेरे हस्बैंड, और हम दोनों मिलकर आपको गणपति बापा की बहुत बहुत शुभकामनाएं है देते हैं। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। थैंक यू, धन्यवाद।